सागर राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद का 15वां स्थापना दिवस कार्यक्रम होटल ग्रेट पैलेस सागर में भव्यता से आयोजित किया गया। अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अशोक सिंह बामोर, श्री साई कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विनीत शर्मा थे। इस अवसर पर साथ ही संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन पत्रकारों के हितों में निरंतर संघर्ष कर रहा है और यही कारण है कि पत्रकार कल्याण परिषद सबसे बड़ा संगठन बन गया है। इस संगठन में अच्छी सोच रखने वाले पत्रकार जुड़े हुए हैं। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। मैं आपकी पत्रकारिता को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, संगठन को प्रणाम करता हूँ और आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि चूंकि हमला जहां भी जो सेवा हो, हम आपके साथ मन वचन कर्म से खड़े रहेंगे। इसी बातें के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि हम लेट आए, हमें नहीं मालूम कोई मांग है या क्या है, पर आप लोग सब सक्षम लोग हो, जिस स्तर पर हमारा सहयोग चाहिए पड़ेगा हम उसके लिए सदैव खड़े रहेंगे। समर्पण से, जिनकी ताकत से, जिनकी योजनाओं से पत्रकार कल्याण परिषद अस्तित्व में है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच में विराजमान परम आदरणीय नईम खान जी, पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक, जो सदैव संगठन को ऊर्जा देते हैं, ये ऐसे तेजपुंज है जिसमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, नकारात्मक परिस्थितियां नहीं भाई में हमें आज तक कभी। मैं आभार व्यक्त करता हूं संगठन का अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय नईम भाई का, जिनकी ताकत 24 घंटे हमें महसूस होती है संगठन के लिए, चाहे वो जो परिस्थितियां हो और जो आवश्यकता हो। आदरणीय अशोक सिंह सेंगर जी यहां विराजमान है, ये बड़े पत्रकार हैं, भोपाल के कई न्यूज चैनलों को, बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनलों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इस संगठन की नींव में अशोक सिंह, कल्याण परिषद का स्थापना दिवस है आज और हमारे सागर के जिला अध्यक्ष राकेश दुबे जी ने सागर में स्थापना दिवस का आयोजन किया है समारोह का, उसमें शामिल होने हम सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। पत्रकारों से संबंधित कोई निर्णय लिया गया? पत्रकारों के संबंधित निर्णय अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्रकार कल्याण परिषद का गठन ही पत्रकारों के हित में निर्णय लेने और प्रयास करने के लिए हुआ है। जैसा कि निरंतर हमारी राज्य सरकार से भी मांग है और वो निरंतर जारी है, आवश्यकता अनुसार हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, आवश्यकता पड़ी तो हमने भोपाल में वाहन रैली भी निकाली, जगह जगह पर कार्यक्रम किए, आयोजन होते हैं और सरकार से हम निरंतर मांग करते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की हमारी मांग चल रही है, स्थानीय स्तर पर पत्रकारों को विज्ञापन दिया जाए, इस बात की हमारी सरकार से मांग चल रही है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको लेके बराबर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अधिमान्यता की बात बार बार आती है, अधिमान्यता के लिए भी हमने सरकार से मांग कर रखी है। कुछ कहीं जटिलताएं आती हैं तो कहीं हमारे साथी औपचारिकताएं पूरी करने में कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस तरीके से कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं। हमारा प्रयास है कि सबल पत्रकार और स्वच्छ पत्रकारिता भारतवर्ष में स्थापित हो, उसके लिए पत्रकार कल्याण परिषद कृत संकल्पित है, निरंतर हमारा प्रयास है। और यहाँ हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है, पत्रकार कल्याण परिषद में कोई भेदभाव नहीं है, हर सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हमारा काम चल रहा है, सारे लोग साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।